मुरादाबाद के थाना नागपनी पुलिस ने आज एक ऐसी लूट की झूठी घटना का खुलासा कर दिया है जिसमें घर की मालकिन नहीं अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति को ही फंसाने की कोशिश की थी। पुलिस ने इस मामले में प्रेमी और प्रेमिका को गिरफ्तार करके नकदी भी बरामद कर ली है। थाना नागपनी पुलिस में उस समय हड़कंप मच गया था जब 20 फरवरी की शाम छोले चावल बेचने वाले मोहम्मद तस्लीम की पत्नी शबाना ने लूट की घटना बताकर हंगामा मचा दिया था। शबाना के अनुसार चार अज्ञात बदमाशों ने उनके घर में घुसकर हथियारों के बल पर लाखों रुपए की लूट की घटना को अंजाम दिया था और फरार हो गए थे। इस सूचना पर थाना पुलिस और आला अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए थे। पुलिस ने इस मामले में टीम गठित करते हुए जब जांच शुरू की तो पता चला कि घर की मालकिन शबाना परवीन ने ही अपने प्रेमी रिहान के साथ मिलकर इस साजिश को रचा था। उसने ये साजिश अपने पति को फंसाने के लिए रची थी। एसपी सिटी अमित ने आज इस मामले का खुलासा करते हुए बताया कि इन दोनों ने मिलकर इस साजिश की घटना को अंजाम दिया है। इन्होंने जेवर और पैसा घर में ही छिपा कर रख दिए थे जिसे इनकी निशानदेही पर बरामद कर लिया गया है। ये 20 तारीख को थाना नागफनी क्षेत्र में वादी द्वारा बताया गया था कि चार अज्ञात बदमाश उसके घर में घुस गए थे और उनके घर में उसकी बीवी और बच्चे थे जिनके साथ लूटपाट करी गई। इसमें थाना नागफनी ने बहुत ही सराहनीय कार्य करते हुए इस घटना का आज खुलासा किया है। इस घटना में पाया गया कि इस पूरी घटना का षड्यंत्र जो रचा गया था, शबाना जो इसकी बीवी साथ में इसके जो चचेरा देवर है रेहान, इन दोनों ने ये षड्यंत्र रचा था। इस तरह की वारदात जो लूट की बताई गई थी 20 तारीख को घटित नहीं हुई थी, बल्कि इनके द्वारा ये षड्यंत्र रचते हुए घटना से दो दिन पूर्व ही जो नकदी थी और साथ ही जो ज्वेलरी था उन्होंने अपने घर से हटा दिया था और कुछ ज्वेलरी इसने अपने पति की दुकान की जो छोले चावल की जो दुकान थी उसी पे छुपा दिया था और जो नकद था अपने ही घर की जो मचान है उस पे छुपा के रखा हुआ था। इनका उद्देश्य था कि जब पुलिस तहकीकात करेगी और जब ये जो रिकवरी इसके पति की दुकान से ज्वेलरी की होगी तो पति को हम लोग जो पुलिस है जेल भेजेगी और इनके बीच रेहान और जो इसकी वादी की जो पत्नी शबाना इनके बीच में लगभग 2 वर्ष से संबंध है और इनका उद्देश्य था कि जब इसका पति जेल चला जाएगा तो ये दोनों भविष्य में शादी करेंगे और एक साथ रहेंगे। इसके अलावा उस दिन जो उन्होंने FIR लिखाई थी अपने पड़ोसी की जो बीवी है और उसके बच्चे का नाम भी उल्लेख किया था उनका, क्योंकि इन दोनों ने कुछ महीने पूर्व आपत्तिजनक अवस्था में इन दोनों को देख लिया था, जिसको लेके जो शबाना है और जो पड़ोसी की बीवी है इनके बीच में कहासुनी भी हुई थी, तो उनको सबक सिखाने के उद्देश्य से भी उनका नाम उन्होंने FIR में उल्लेख किया गया था। जो शबाना और रेहान की निशानदेही पे घटना में जो 52,000 रुपये, 1 सोने की अंगूठी, 1 चांदी का चेन, 1 चांदी की अंगूठी और 2 सोने के लौंग बरामद किए गए हैं। इनका अभी तक कोई पूर्व आपराधिक इतिहास नहीं पाया गया, इसमें विवेचना की जा रही है, अगर कोई तथ्य सामने आएंगे तो उसके अनुसार विधिक कार्रवाई की जा रही है। रेहान का मैकेनिक का काम है।